सबसे पहला पॉइंट, ओपन टू चेंज। जो बात आई है उसको मान ले, जो सच बोला गया है, उसूल बनाए अपना जिंदगी का उसूल कि मेरे से जो बात की जाएगी या तो मुझे रिफ्यूट कर दिया जाए या मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए, दोनों में ओपन टू चेंज, या मैं चेंज करवाऊंगा या मैं चेंज होऊंगा, ये अपनी पर्सनैलिटी बनाया। ओपन टू चेंज, बात आ गई आमन्ना, समय आना वह तो आना, ये अपना मिजाज बनाए, या तो मैं गलत हूं या मैं सही हूं, अगर मैं सही हूं तो मैं सही करवा के छोड़ूंगा, अगर मैं गलत हूं तो मैं मान लूंगा उसको, सबमिशन दूंगा, हाँ भाई मुझसे गलती हो गई भाई माफ कर। ये जो जिद्दी लोग होते हैं ना, ये स्टबर्ननेस, नेगेटिविटी जिसके अंदर नहीं मानना, मैंने हक को हक नहीं मानना, मैंने 2+2 को 4 नहीं मानना, 3+2 को मैंने 5 नहीं मानना, मैं मानूंगा लेकिन अपनी थोड़ी सी ये ना यूं रखूं, नहीं, सेकंड लगाएं, सेकंड अपने आप को इवॉल्व करें, अपने आप को चेंज करें, जो सच है उसको सच माने, चाहे वो जिस एंगल से भी आ रहा हो, चाहे वो जिस पर्सपेक्टिव से भी आ रहा हो, अगर वो सच है, अगर वो सही है, अपने दिल को इतना वसी बनाए कि माने यार सही है। एक ईगोइस्टिक इंसान होता है, एक अनापरस्त इंसान होता है, अना अच्छी होती है अगर वो पॉजिटिव जगह पे लगे, लेकिन वो अना जो आपकी ग्रोथ बर्बाद कर दे, इस अना को हम नहीं मानते, ये अना वबाल है आपके लिए, ये अना आपको बर्बाद कर देगी, तो इस अना को आप जो है इसका गला मरोड़ दें, इसको दफना के आ जाए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको चेंज नहीं होने दे रहा। एक अना रखे जो पॉजिटिव बना, जिसे हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं, मेरी सरकशी भी थी मुनफरिद, मेरी आज भी कमाल थी, मैं अना परस बला का था जो गिरा तो अपने पर, ये सेल्फ एस्टीम है, जहां मेरी इज्जत की बात आएगी मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, मेरे उसूल सबसे बड़े उसूल है, ये मेरी जिंदगी है, वहां पे मी माई सेल्फ एंड आई का स्लोगन बहुत अच्छा है, जहां पे आप हक पे हैं, सच पे हैं, वो जगह समझ में आएगी, लेकिन वो अना जो आपको बर्बाद कर दे, हम उस अना को नहीं मानते।